राजस्थान सेकंड ग्रेड भी पेपर लीक मामला। पहली बार आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार, शेर सिंह को दिलाया था पेपर। खुला रहस्य, निकला सदस्य। आरपीएससी से लीक हुआ था पेपर, सदस्य कटारा, ड्राइवर और भांजा गिरफ्तार। क्या कटारा आखिरी कड़ी, नकल की अमरबेल आखिर कहाँ तक? लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की जड़ तक पहुँचे सिर्फ एक आरपीएससी मेंबर ही पूरे पेपर लीक की स्क्रिप्ट लिख दे, यह संभव नहीं। बाबूलाल कटारा, आरपीएससी मेंबर शेर सिंह का दोस्त, इसी ने शेर सिंह को पेपर मुहैया करवाया था। शेर सिंह मीणा, सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल, 1 करोड़ रुपए में पेपर सारण को बेचा, ये भी गिरफ्तार। भूपेंद्र सारण, कांस्टेबल भर्ती समेत अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक में शामिल, ये भी गिरफ्तार। सुरेश ढाका, सारण के साथ मिलकर जयपुर में कोचिंग सेंटर चलाता था, अभी फरार है। सुरेश बिश्नोई, सरकारी स्कूल का शिक्षक चलती बस में अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करा रहा था, ढाका इसका जीजा है। इसके बाद सुरेश बिश्नोई ने अभ्यर्थियों को 5 से 8 लाख रुपए में पेपर बेचा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती का पेपर आयोग से लीक हुआ था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मंगलवार को लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा, ड्राइवर गोपाल सिंह को अजमेर, जबकि कटारा के भांजे विजय डामोर को डूंगरपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। आरपीएससी का परीक्षा और पेपर लीक से पुराना नाता रहा है, लेकिन पहली बार है जब किसी आरपीएससी मेंबर की गिरफ्तारी हुई है। कटारा की पेपर माफिया और सिरोही के एक सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रहे अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा से दोस्ती थी। एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि कटारा ने ही नकल माफिया शेर सिंह की परीक्षा से पहले पेपर दिया था। इसके बाद शेर सिंह ने 1 करोड़ रुपए में भूपेंद्र सारण को इसे बेचा था। कटारा को 3 साल पहले कांग्रेस सरकार ने दी थी नियुक्ति। कॉलेज में ही सोच लिया था कुछ ऐसा करूँगा कि पूरा वागड़ा याद रखे। 1990 में अजमेर में पहली बार आरपीएससी अर्थशास्त्र व्याख्याता का इंटरव्यू देने गया था, तब हाथ पैर कांप रहे थे। आज जैसे ही आरपीएससी सदस्य बनने की खबर मिली, 30 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पूरा जीवन ईमानदारी से नौकरी की, 3 दशक पहले का समय संघर्ष का था, बहुत गरीब परिवार से था। कॉलेज पढ़ाई के दौरान सोच लिया था कि कुछ ऐसा करना है जिसे पूरा वागड़ा याद रखे। बाबूलाल कटारा के शब्द, आरपीएससी मेंबर नियुक्त होने के बाद इंटरव्यू दिया था। कटारा की उदयपुर में अकूत संपत्ति, डूंगरपुर में भी कॉम्प्लेक्स व मकान। उदयपुर के सेक्टर 14 सी सर्कल के पास कटारा का एक मकान है। इसके अलावा डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीछे के सुभाष नगर में 2 मंजिला मकान, अस्पताल रोड पर 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स व्यवसायिक रूप से चल रहा है। शेर सिंह की कटारा से 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, दोनों डूंगरपुर के हैं। आयोग सदस्य बनने के बाद शेर सिंह से नज़दीकी बढ़ी, पुरानी पहचान के कारण दोनों के बीच सौदा हुआ। आदिम जाति शोध संस्थान के निदेशक रहने के दौरान ही कटारा को कांग्रेस सरकार ने 15 नवंबर 2020 को आरपीएससी मेंबर के तौर पर सियासी नियुक्ति दी थी। विजय के पिता कांस्टेबल ड्राइवर बिचौलिया, विजय एमए बीएड पास है। विजय मामा बाबूलाल कटारा के पास आता जाता रहता था। बागदारी गांव में उनका मकान है। उसने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी थी।
इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हो गया था। विजय के पिता ललित डामोर डूंगरपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। फिलहाल विजय के पिता पुलिस लाइन में चालानी गार्ड के पद पर तैनात हैं। पिता बेटे की इस हरकत से अचंभित थे। वागदरी में विजय का घर बना हुआ है, जिसे साल भर पहले ही बना है। इसी साल 2022 फरवरी को विजय की शादी हुई है। ड्राइवर गोपाल सिंह ने बिचौलियों की भूमिका निभाई। दोषियों पर कार्रवाई करे सरकार।